सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही भारतीय टीम हार के करीब पहुंचती नजर आ रही है। इंग्लैंड के 332 रनों के जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 292 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और तीसरे दिन इंग्लैंड ने 114 रनों पर 2 विकेट खोए। लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा भी वाक्य हुआ जिसकी पूरी देश तारीफ कर रहा है। दरअसल भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे और उस समय पांचवा ओवर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बेन स्टॉक्स फेंक रहे थे। इसी दौरान बेन स्टॉक्स की एक गेंद पर केएल राहुल ने शॉट लगाया और रन लेने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन इसी दौरान राहुल के जूते का फीता खुल गया। इस दौरान राहुल ने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे जिस वजह से वो अपनी जूते का फीता बांधने में असमर्थ थे, लेकिन इसी दौरान स्टॉक्स वहां आ गए और जूते का फीता सही कर राहुल को जूता पहना दिया। बेन स्टॉक्स की इसी दरियादिली के लिए पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है और दर्शक भी उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।